So let's talk about question number 12, chapter 34. एक्चुअली ज़्यादा टफ क्वेश्चन 13 है, बट 12 से आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी, इसलिए मैं ले ले रहा हूँ, ठीक है? अब ये ऐसी हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, अब ये एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, देखो ये एक अलग कहानी है। तो ये रेडियस ए है और ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है? तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर पूछ रहा है, राइट? तो यदि आप देखेंगे किसी भी एक छोटे से एलिमेंट पे ये डीएल वेक्टर, तो इस पे ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी, करंट, देख लीजिए करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स आ गया अंदर की तरफ। और जो इसके लिए आया एग्जैक्टली सेम ऐसा का ऐसा ही सबके लिए आता चला जाएगा, डीएफ अंदर की तरफ इनटू द प्लेन आता चला जाएगा, डीएफ 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 सबके लिए आएगा ऐसे के ऐसे, राइट? तो बड़ा आसानी से आप फोर्स लिख सकते हैं, पी आई डी एल जोड़ेंगे तो पी आई बाहर आ गया और डी एल का सम अपन को करना है, डायरेक्शन सबकी सेम है, सो दैट वुड बी इक्वल टू बी आई इंटू टू पाई ए, दैट्स इट, बी आई इंटू टू पाई ए फोर्स। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। 13 भी आप एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से थोड़ी सी तकलीफ होगी इसको आपको समझने में, क्वेश्चन नंबर 13 को, इट्स नॉट एन ईजी क्वेश्चन, तो एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 को, एटलीस्ट क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, ठीक है? आई विल ट्राई कि आपको एटलीस्ट क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है? पढ़ लीजिए आप एक बार पॉज करके वीडियो को। तो देखिए मैं एक बार सवाल समझा देता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल है। ये Z है, I क्रॉस J K होता है, तो ये X हो गया, ये Y हो गया, और यहां पे रिंग रखी हुई है D डिस्टेंस सेंटर है, ठीक है? ये कह रही है, और फील्ड जो है, राइट, फील्ड जो है वो और भी इंटरेस्टिंग है, वो है ER कैप के अलोंग, समथिंग लाइक दिस, ऐसे, मतलब रेडियली आउटवर्ड जा रही होगी, ER कैप दे रखी ना, रेडियल डायरेक्शन, सो ये ऐसी डायरेक्शन आ रही होगी फील्ड की, ठीक है? तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पर निकलेगा, थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकते हैं ऊपर वाले से सवाल से, करंट के बारे में तो कुछ बता नहीं रखा किस सेंस में, तो दैट वुड नॉट बी इम्पॉर्टेंट, ऑलराइट? तो ट्राई करिएगा, मेरे ख्याल से कर लेंगे, क्योंकि कुछ तो दिख रहा होगा आपको, एक कंपोनेंट तो ऐसा, दूसरा कंपोनेंट के हिसाब से आपको थोड़ा
का सोचना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो जरूर करिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है, होमवर्क का पार्ट है इसे आपके। फिर था क्वेश्चन नंबर 25, ओके 25, उसके बाद 26 भी है। तो 25 में बस बात इतनी सी है भाई कि ऐसे में रख दिया, ऐसी भी है, ये करंट है आई, राइट, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। कैसे फोर्स लग रहा होगा? लाइक दिस, ये करंट जा रहा है अंदर की तरफ, ये करंट जा रहा है अंदर की तरफ, राइट। तो ऐसे फोर्स लग रहा होगा, तो सब जगह फोर्स रेडियली इनवर्ट लग रहा होगा। तो कोई भी छोटा एलिमेंट यदि हम ले लें तो उस पर जो ये फोर्स लग रहा है, ओके, उस फोर्स को बेसिकली ये जो टेंशन का फोर्स डेवलप होगा, ये जस्ट आप चाहे तो एच सी वर्मा पार्ट वन, ठीक है, पेज 110, सॉल्व एग्जांपल 12 पे जाके देख सकते हैं। वहां पे ये टेंशन का फोर्स अपन ने अंदर निकाला था, बस यहां पे ये वैसा का वैसा, यदि ये डी थीटा है तो ये टेंशन के फोर्स का वेक्टर सम इस तरफ टी डी थीटा आ जाएगा। ये आप यहाँ से देख लीजिए और यही हमसे ये पूछ रहे हैं। तो बेसिकली टी डी थीटा वुड बी इक्वल टू बी आई टी एम एंड टी डी थीटा वुड बी इक्वल टू बी आई, इसका रेडियस कितना भी रखा ए, तो ए डी थीटा, तो इससे आपका टेंशन का फोर्स आ जाएगा, राइट। अभी टी डी थीटा कैसा आया टेंशन के फोर्स का सम, ये मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दे दी है, तो जाके देखिए यहाँ पे, ये मैंने कहा भी था पढ़ाते हुए कम से कम 8-10 बार पूरे जेई के सिलेबस में ये सॉल्व एग्जांपल यूज होगा, ऑलराइट। तो आई थिंक दैट्स ऑल ऑन दीज टू क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर में ज़्यादा कुछ होता नहीं है एक्चुअली, कहानी इसके आगे शुरू होती है, ऑलराइट, क्योंकि कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, हमने जो थ्योरी प्रूफ कर दी उसके बाद यू कैन सी वी डोंट नीड मच, ऑलराइट, टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, ऑलराइट। तो जिस चीज पे सवाल सबसे ज्यादा बनते हैं वो उस पे आते हैं, वो सिचुएशन जहां फोर्स जीरो लगता है, राइट। अब बोलेंगे फिर क्या मजा आएगा, फोर्स जीरो है तो टॉर्क लगेगा भाई, और क्या होगा। तो सबसे पहले दो स्टेटमेंट, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड force on a closed current carrying loop is force on a closed current carrying loop is zero, which is very obvious, क्योंकि force कितना आया था uniform magnetic field में, आप याद करिए, I PQ cross B करके आया था। अब यदि हम घूम के वापस यहीं ले आए करंट को, यही Q हो गया, तो PQ becomes zero,
So force would be zero. Force on a closed current carrying loop is zero. देख सकते हो zero आ जाएगा, right? अब इसके आगे से शुरू होती है आगे की बात कि फोर्स तो जीरो आएगा, ये तो निश्चित है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये कंडीशन मत भूल जाइएगा, ये तो बहुत लफड़ा हो जाएगा जेई वालों ने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज करंट कैरिंग लूप दिया हुआ है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मुद्दा यह है कि फोर्स तो जीरो आएगा, परंतु आप देखेंगे कि टॉर्क जीरो नहीं आता, राइट? तो जो टॉर्क है वो कुछ ना कुछ आएगा। तो पहले अपन क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक केस ले रहे कि आपको दिखे कि हाँ सर देखो टॉर्क तो आ रहा है, आपसे कह रहे हो। फिर वंस वी आर थ्रू विद दैट स्पेसिफिक केस, वी विल टॉक अबाउट जनरलाइजिंग दैट केस एंड सॉल्व इट, ठीक है। और उस पे बेस्ड बहुत प्रॉब्लम्स बनती हैं, बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, तो एक दो लेक्चर उस पे जाएंगे एंड वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर। फिर बस अपना EMI, AC एंड वी आर डन, राइट? तो बढ़ते हैं आगे। तो एक हम ले लेते हैं टू बिगिन विद, चीजों को थोड़ा इजी रखने के लिए, ऐसा एक रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है। एंड लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है पैरेलल टू अदर आर्म, ठीक है। ये साइड है L1 लेंथ की, ये साइड L2 लेंथ की। तो कितना टॉर्क आएगा फॉर दिस मैग्नेटिक फील्ड B? सो टॉर्क जो आएगा दैट इज I L1 वाला तो फोर्स होगा ही नहीं, ये तो फोर्स ही जीरो हो गया, राइट? हाँ, लेकिन BIL2 इस आर्म पे फोर्स लगेगा, यहाँ तो फोर्स हो गया जीरो, यहाँ पे भी फोर्स हो गया जीरो, इस आर्म पे फोर्स लगेगा, किधर लगेगा ये फोर्स? अंदर को लगेगा ये वाला फोर्स, ठीक है। टॉर्क की कैलकुलेशन कर, पहले फोर्स निकाल, तो ये फोर्स आएगा F2, किधर लगेगा? इनटू द प्लेन। और दूसरी आर्म पे एक फोर्स लगेगा सेम मैग्नीट्यूड F1 बाहर की तरफ, इस पे लगा बाहर की तरफ, इस पे लगा अंदर की तरफ। अब क्या होगा? टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे ये, जहां पे ये सेपरेशन को यदि मैं एक्स बोलूं और इस सेपरेशन को मैं L1 माइनस एक्स बोल रहा हूं, और ये लाइन है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो। सेंटर ऑफ मास क्यों इंपॉर्टेंट है? यदि फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? जीरो होगा,
तो हम टॉर्क किसके थ्रू लिखेंगे, ऐसी एक्सिस के थ्रू जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, राइट। तो यदि अब आप टॉर्क लिखने जाएंगे तो आप देख सकते हैं बी आई एल टू इन टू एल वन माइनस एक्स एफ वन का टॉर्क जो इसको ऐसे घुमा रहा होगा, और एफ टू का टॉर्क जो इसको अंदर घुमा रहा होगा। तो कितना आ गया वी आई एल वन इंटू, सो दिस इज द टॉर्क दिस रेक्टेंगुलर लूप इज एक्सपीरियंसिंग। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू बेटा, इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर वी आर गोइंग टू ट्राई टू डिराइव टॉर्क ऑन अ रैंडम शेप लूप ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये हम लोग डिराइव करने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल इफ यू लाइक यू कैन ट्राई डिराइविंग इट फॉर अ ट्रायंगुलर लूप। क्या आ रहा है, फाइंड टॉर्क ऑन अ ट्रायंगुलर लूप, बताइएगा कितना आ रहा है, करके देखिएगा, ठीक है। ट्रायंगुलर लूप पे कितना आ रहा है, चलिए